फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्किन। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ स्किन, सो स्किन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सो स्किन बहुत सारे वाइटल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसको हम लाइन वाइज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन जो स्किन परफॉर्म करती है, दिस इज प्रोटेक्शन। सो स्किन प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे? स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। सो स्किन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। कैसे है प्रोटेक्टिव बैरियर? क्योंकि स्किन ने हमारी बॉडी को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। सो स्किन कैसे प्रोटेक्टिव बैरियर है? स्किन फॉर्म्स अ वाटरप्रूफ लेयर। सो स्किन हमारी बॉडी में कम्प्लीटली कवर करती है एंड एक वाटरप्रूफ लेयर बनाती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर बनाती है। कैसे? क्योंकि जो हमारी एपिडर्मिस है, जो सबसे आउटर लेयर है स्किन की, वो किससे बनी हुई है? कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम से। सो क्योंकि स्किन में कौन से सेल्स होते हैं? कैरेटिनोसाइट्स, जो कि कैरेटिन प्रोड्यूस करते हैं। सो कैरेटिन क्या है? एक प्रोटीन है। सो कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम से एपिडर्मिस बनी होती है, जिसका क्या काम है? कैरेटीन की वजह से जो एपिडर्मिस है वो क्या है? वाटरप्रूफ है। सो हमारी जो स्किन है वो वाटरप्रूफ लेयर है बिकॉज ऑफ कैरेटीन, दैट इज कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम। सो इससे जो हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है वो एक्सेसिव लॉस नहीं होता। सो वाटर को लॉस होने से कौन सी लेयर प्रिवेंट करती है? कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम। इट मीन्स हमारी स्किन क्या है? वाटर रेजिस्टेंट है। प्लस अगर वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करती है, वाटर प्रूफ लेयर है, तो ये डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करती है स्किन। नेक्स्ट, सो फर्स्ट फंक्शन यही है कि डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। सेकंड है प्रोटेक्ट द डीपर मोर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स। सो हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सो ये जो डेलिकेट और डीपर स्ट्रक्चर्स हैं इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? इंजरी या ट्रॉमा से। कैसे? क्योंकि स्किन में एपिडर्मिस लेयर है, देन डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस जो कि सबक्यूटेनियस फैट से बनी है। सो जो फैट वाली लेयर है वो मेनली इंजरी से प्रिवेंट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि फैट क्या है? एक तरह का कुशन का काम करता है। जो सबक्यूटेनियस लेयर है हाइपोडर्मिस, वो एक तरह से कुशन का काम करती है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको इंजरी और ट्रॉमा से प्रिवेंट करती है। सो नेक्स्ट हो गया किससे प्रिवेंट करती है? इंजरी और ट्रॉमा से। देन है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड रेडिएशंस। सो नेक्स्ट किससे प्रिवेंट करती है? प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल केमिकल्स और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है स्किन। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं जा पाते। जो स्किन है सबसे पहले वो एज अ बैरियर केमिकल्स के लिए काम करती है। देन हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कि यूवी रेज, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो भी सन रेज से आती हैं, सनलाइट से आती हैं, सो उन रेज को डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती इन रेडिएशंस को, यूवी रेज को, जो कि हार्मफुल है, तो इनसे स्किन प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। देन एक मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है स्किन में, जो कि मेलानोसाइट सेल से रिलीज होता है। सो ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये बेसिकली यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। सो स्किन में ये मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस मेलानिन का एक और फंक्शन है कि मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि हमारी स्किन को कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। सो स्किन का अगर डार्क कलर है सो मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा है, अगर लाइट कलर है सो मेलानिन का अमाउंट कम है। सो मेलानिन जज करता है कि हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन या टोन कैसा होगा। देन प्रोटेक्शन में ही एक फंक्शन है डिफेंस। सो डिफेंस की तरह या फिर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह स्किन कैसे एक्ट करती है? डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले किससे इनकाउंटर होता है? हमारी स्किन से। सो स्किन क्योंकि आउटर मोस्ट से हमारी पूरी बॉडी को आउटसाइड से इसने कवर किया हुआ है, सो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके साथ एनकाउंटर में आएगा? स्किन के साथ। सो स्किन एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। सो स्किन एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सबसे इनिशियल रिस्पॉन्स स्किन प्ले करती है। जब भी कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस हमारी स्किन में एंटर, स्किन से हमारे बॉडी में एंटर होने के लिए ट्राई करता है, सो सबसे पहले स्किन एक्ट करती है एज अ बैरियर, एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। देन एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर लेयर है स्किन की, कंटेन्स लैंगरहैंस। सो इसमें क्या होता है? लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स क्या है? मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का क्या मतलब है? कि ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एंगल्फ कर लेते हैं और खा जाते हैं, किल कर लेते हैं। सो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं लैंगरहैंस सेल्स। सो ये हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। कुछ और भी फैगोसाइटिक सेल्स हमारे एपिडर्मिस, हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो
जो कि एज अ डिफेंस एक्ट करते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं. सो दिस वॉज अबाउट प्रोटेक्शन. सो स्किन हमारा एज अ प्रोटेक्शन कैसे एक्ट करती है. देन है सेंसेशन. सो स्किन के थ्रू हम सेंस करते हैं सेंसेशन, यानी कि ये टच का पता लगाते हैं, टेम्परेचर का पता लगाते हैं. सो कैसे होता है ये, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है हमारे डर्मिस में. सो डर्मिस जो एपिडर्मिस के बिल्कुल बिलो है लेयर, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स. सो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि टच का पता लगाते हैं, टेम्परेचर का पता लगाते हैं. इससे हमें क्या पता लगता है, परसेप्शन, हम परसीव करते हैं टच को. डिस्क्रिमिनेशन यानी हम पता लगाते हैं कि ये पेनफुल टच है या फिर अनप्लीजेंट टच है या फिर कैसा टच है. सो डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं इन सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू. एंड लोकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एंड लोकेशन कि हमें किस जगह पर टच हुआ है, किस जगह पेन हुई है. सो ये जो लोकेशन है वो भी हम सेंसरी नर्व एंडिंग्स के थ्रू पता लगाते हैं. सो ये जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स डर्मिस में होती है, ये परसीव करती है, सेंसेशन करती है. ये देन सेंसरी एंडिंग्स डर्मिस से कहां पर जाती है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. सो ये अनदर फंक्शन है सेंसेशन. सो सेंसेशन के थ्रू ही हमें पता लगता है कि जो हमने किसी भी सरफेस को टच किया है, कोल्ड है या हॉट है. देन हम रिफ्लेक्स करते हैं. रिफ्लेक्स कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई पेनफुल स्टिमुलाई को टच कर लिया, सो एकदम से हमारे जो डर्मिस में सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगी एंड हम हाथ पीछे कर लेते हैं. सो ये है सेंसेशन. देन नेक्स्ट फंक्शन है बायोकेमिकल फंक्शन. सो बायोकेमिकल फंक्शन में क्या आता है, इन सनलाइट. सनलाइट में, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तब क्या होता है, हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं, 7-dehydrocholesterol. सो 7-dehydrocholesterol एक लिपिड बेस्ड स्टीरोइड है जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, इज कन्वर्टेड टू वाइटामिन डी. सो ये हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में वाइटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है. सो वाइटामिन डी की प्रोडक्शन में स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो वाइटामिन डी किस में हेल्पफुल है, हमारी बोन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए. सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बायोकेमिकल के. वाइटामिन डी की फॉर्मेशन में स्किन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. देन है स्किन ऑल्सो कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर अदर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. कुछ अदर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स के लिए भी स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए. एंड वाइटामिन ए के लिए भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का थर्मोरेगुलेशन. सो थर्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना. सो हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट कोर टेम्परेचर, दैट इज 37 degrees Celsius. इस 37 degrees Celsius को मेंटेन करना है किसको, स्किन को. सो दिस इज थर्मोरेगुलेशन. अब ये टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है ये कैसे मेंटेन होता है, टू मेंटेन दिस कांस्टेंट टेम्परेचर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रेगुलेट्स द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड हीट लॉस्ट टू द एनवायरमेंट. सो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू हमारे जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है एंड जो हीट लॉस होती है एनवायरनमेंट में, उसका एक बैलेंस रेगुलेट होता है. सो उसका एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है स्किन. कैसे करती है मेंटेन, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर. सो नेम से क्लियर है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर का क्या मतलब है, कि जो सेंटर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. सो हाइपोथैलेमस इज सेंसिटिव टू, हाइपोथैलेमस या फिर ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर किसके लिए सेंसिटिव है, टू द टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड. सो जो ब्लड में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें जो टेम्परेचर है ब्लड में, यानी कि अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड करेगा, टेम्परेचर फॉल हुआ तो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड करेगा. दिस सेंटर रिस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर चेंज बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्स टू आर्टीरियोल्स इन द डर्मिस. सो जो हमारे डर्मिस लेयर है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, सो उसमें आर्टरीज हैं. सो इन आर्टरीज में या आर्टीरियोल्स में, जो आर्टरीज की ब्रांचेस हैं आर्टीरियोल्स, इनमें क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है. सो इस ब्लड फ्लो में अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज आता है, टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है, तो हाइपोथैलेमस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, नर्व इम्पल्स को सेंड करता है. अब ये नर्व इम्पल्स क्या करती है, हम पढ़ते हैं, बॉडी टेम्परेचर राइजेस. अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है यानी इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, वैसोडाइलेशन. तो जो
आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं डर्मिस में, वो क्या करेंगी, डायलेट होंगी, वेसल्स डायलेट होंगी। वेसल डायलेट होने से क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्वेट। सो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे तो स्वेटिंग होगी। सो स्वेटिंग होगी तो स्वेट हमारी बॉडी के सरफेस पर आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, स्वेट इवेपोरेट होगा। सो इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। सो इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, टेम्परेचर फॉल होगा एंड हमारी बॉडी से जो हीट है वो लॉस हो जाएगी। सो ये तब वर्क करता है जब बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। जब टेम्परेचर फॉल हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस इन नर्व इम्पल्सिस को सेंड करना बंद कर देगा। देन बॉडी टेम्परेचर फॉल, जब बॉडी टेम्परेचर फॉल होगा तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, यानी कि ये जो आर्टेरियोल्स हैं डर्मिस में ये नैरो हो जाएंगी। वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, हीट वहीं पर रहेगी, हीट कंजर्व रहेगी। सो हीट कंजर्व रहती है, हीट कंजर्व होने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। देन जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस इन नर्व इम्पल्सिस को सेंड करना बंद कर देगा। सो इस तरह से ये वर्क करता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो वैसे डायलेशन होती है एंड स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर फॉल होता है, यानी हीट लॉस होती है बॉडी से। जब बॉडी टेम्परेचर फॉल होता है तो हीट कंजर्व होती है बॉडी में और टेम्परेचर राइज हो जाता है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब जो हीट लॉस होती है बॉडी से वो किस तरह से होती है, फोर मैकेनिज्म के थ्रू होती है, दैट इज रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो हीट लॉस इन चार तरीके से होती है। रेडिएशन क्या होता है, एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेडिएट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। सो जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्सपोज हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है किसी भी सरफेस के साथ, उनसे बॉडी उनसे जो हीट निकल रही है वो क्या है, डायरेक्टली बॉडी से लॉस हो जाती है। सो ये जो एक्सपोज बॉडी पार्ट्स हैं इनसे डायरेक्टली हीट क्या हो जाती है, रेडिएट अवे, बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से, इसको बोलते हैं रेडिएशंस। तो जैसे रेडिएशंस के थ्रू हमारी हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है बॉडी से, जबकि हमारी बॉडी का वो सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी के साथ नहीं है। देन सेकेंड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉडी हीट कन्वर्ट्स वाटर इन स्वेट टू वाटर वेपर्स। सो जो हमारे स्वेट में वाटर होता है वो वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इवेपोरेशन होता है एंड हमारी बॉडी की जो हीट है वो लॉस हो जाती है। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सो ये अनदर मेथड है हीट लॉस का। देन है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस टू कूलर सरफेसेस इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। रेडिएशन एंड कंडक्शन कैसे डिफरेंट है, कंडक्शन में क्या होता है, जो लॉस ऑफ बॉडी है, हीट है, लॉस ऑफ बॉडी हीट, वो कैसे होगी, जब कोई कूल सरफेस के साथ हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। सो अगर किसी सरफेस के साथ हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ठंडा फर्श है, हम उस पर लेटे हुए हैं, तो हमारी हीट किस में लॉस होगी, वो डायरेक्ट सरफेस में लॉस हो जाएगी। सो ये कंडक्शन है, जबकि रेडिएशन में कोई भी डायरेक्ट सरफेस नहीं है, ऐसे ही हीट लॉस हो रही है। देन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस टू कूलर एयर। सो हमारी जो बॉडी हीट है वो कैसे लॉस हो रही है, कूलर एयर से, कूल एयर से। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फैन के आगे बैठे हुए हैं, कूलर के आगे बैठे हुए हैं, सो हमारी जो हीट है बॉडी की वो कैसे लॉस हो रही है, वो जो फैन से एयर आ रही है उसके थ्रू लॉस हो रही है। सो दीज आर फोर मेथड्स ऑफ हीट लॉस। For detailed video of skin, you can check the link in description box. If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.